आनंद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, अभी आप नोएडा की किसी सोसाइटी में हैं, अजनारा में हैं, क्या वहां पर फिलहाल लोग बाहर अभी भी हैं? क्या डर है मन में अभी भी लोगों के? देखिए, यहाँ पर मैं इसी सोसाइटी में रहता हूँ, यहाँ पर मेरे साथ कुछ रेसिडेंट्स है। भाई साहब, मैं न्यूज 18 से हूँ। अभी भूकंप के झटके आए थे, आप लोगों को कुछ फील हुआ था? आप बताना चाहेंगे? न्यूज 18 लाइव चल रहा है। कैसे फील हुआ? तो अभी मैंने देखा नीचे लोग अभी नीचे भागे हुए आ रहे थे, तमाम लोग अभी आप लोग सब। सर, अभी अभी भूकंप आया था, मैं भी यही रहता हूँ, अभी न्यूज 18 पर लाइव चल रहा है। आप बता, मैं भी घर आया था थोड़ी देर पहले। आप बताना चाहेंगे कि क्या थोड़ा सा मैंने देखा अफरा तफरी का माहौल, आप एकदम नॉर्मल है, कोई पैनिक नहीं है? सर, कोई पैनिक नहीं है, कोई पानी के बीच हम ऊपर ही नीचे आए। अच्छा, आपको फील हुआ था? मैम देखिए, आप यहाँ पे कई लेडीज भी हमारे साथ, आप लोग इस पार्टी में, मैं भी एक पार्टी करके आया था, लेकिन अभी अचानक से लगा मेरा पंखा भी बंद था लेकिन हिल रहा था, मैं भी नीचे लाइव करने आया हूँ। आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, क्योंकि मैंने देखा भी बहुत सारे लोग नीचे भागे हुए आ रहे थे यहाँ पर। पता नहीं नोएडा में क्या हो रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। आज आप लोगों को पता चला कि टीवी से पता चला कि कुछ आया है टाइप में? हां मैडम, जी बस। तो देखिए शिवानी, मैं यहीं पर रहता हूँ इस ग्रैंड अजनारा में, और यहाँ पर एक फैमिली है जो पार्टी करने आए थे, उन्होंने बोला कि उन्हें फील हुआ, और अभी वो सब लोग नॉर्मल हैं, अपने अपने घरों के लिए जा रहे हैं, लेकिन अभी अभी 15 मिनट पहले सामान्य तो है लेकिन मात्र एक ही महीने में तीसरी बार है जब भूकंप के झटके इसी तरीके से महसूस किए गए हैं। अब लोगों को भी वाकई, जैसा कि आपके यहाँ जो महिला थी उन्होंने कहा कि समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है कि वाकई। और जब भी आप बड़ी बड़ी ऊंची इमारतों में रहते हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल होता है कि आप लिफ्ट का सहारा लेकर या सीढ़ियों का सहारा लेकर नीचे उतरे, क्योंकि तब तक ऐसा भी हो सकता है कि नुकसान हो चुका हो, तो इसका भी जो नतीजा होगा वो बेहद खतरनाक यहाँ पर होगा। लेकिन कई इलाके थे यूपी समेत, इसके अलावा हमने आपको काठमांडू से भी दिखाया कि किस तरीके से रिपोर्टर वहां से जुड़े और उन्होंने वहां की स्थितियां भी हमें समझाई। वहां का जाजनारा का जो इलाका था, वहां पर जो मेन एपिसेंटर था काठमांडू का, वो इलाका था और उसकी जो कंपन थी वो यहां तक महसूस की गई। अब भी लोग जो तस्वीरें सामने आ रही है, अब भी अपने घरों से बाहर निकले हुए हैं। आनंद लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, मोनिका जुड़ी हुई है, अमित जुड़े हुए हैं। मोनिका, अभी वहां पर क्या स्थितियां हैं? आप इस वक्त मयूर विहार फेज वन में हैं, अब तो लोग घरों के अंदर जा चुके होंगे, डर थोड़ा सा कम हुआ होगा? बिल्कुल थोड़ा कम हुआ है, और तभी यहाँ पर कुछ डिलीवरी एजेंट्स हैं, वो भी अब डिलीवरी करने आ गए। भैया, भूकंप महसूस हुआ आपको? कब महसूस हुआ? आप अभी न्यूज 18 पर लाइव है, आप बताइए क्या महसूस हुआ आपको? अभी 5 मिनट पहले। इसको तो खोलिए हेलमेट को, और बताइए टीवी पर एक बार। अभी 5 मिनट पहले भूकंप के झटके थे। अच्छा, आप डिलीवरी कर रहे थे तब भी? डिलीवरी कर रहा था। अच्छा, फिर क्या हुआ, कैसे महसूस हुए, कितने बजे आपको महसूस हुए? 5-7 मिनट पहले की बात है। 5-7 मिनट पहले? हाँ। घबरा गए थे आप? आप चल रहे थे, बाइक पे चल रहे थे जब आपको महसूस हुए? भैया, आपको कब महसूस हुए? हमको तो 11:30 बजे महसूस हुए। अच्छा, क्या हाँ। कर रहे थे आप? हम लोग बैठे हुए थे तो पेड़ देखे कि सब हिल रहा है, गेट हिल रहा है। अच्छा, गेट भी हिल रहा था? हिल रहा है। अच्छा, सब कुछ हिलना शुरू हो गया, लोग सोसाइटी से नीचे आ गए, नीचे आ गए, फिर कहीं कहीं भूकंप आ गया। अच्छा, ये सब देखते हुए हमने सभी सोसाइटी के लोग नीचे आ गए। नीचे आ गए। अच्छा, तो आप यहीं पर बैठे हुए थे, ड्यूटी कर रहे थे? अच्छा, तो शिवानी, आपने सुना, देखिए कुछ लोग डिलीवरी एजेंट्स भी महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए, वो डिलीवरीज कर रहे हैं अभी फिलहाल, एकदम से जो है ज्यादा लोग यहाँ पर आने लगे। कुछ सोसाइटी के लोग अभी यहाँ पर टहल भी रहे हैं, उनसे भी हमने बातचीत की है, उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि 11:30 के करीब जो है उन्होंने भी तेज झटके महसूस किए, हालांकि अब वो रात की सांस ले रहे हैं तो उन्होंने टहलना शुरू कर दिया, हालांकि अब वो जा चुके हैं। गनीमत यही रही है कि शिवानी, जरूर भूकंप के तेज झटके महसूस हुए हैं लोगों को, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। गनीमत की बात यही रही कि किसी भी तरीके का कोई जान माल का नुकसान यहां पर होता हुआ नहीं दिखा अब तक। मोनिका से हमने बात की जो कि दिल्ली में है, नोएडा से इस वक्त आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अमित भी लखनऊ में है, और तीनों ने ही ये बताया कि नुकसान अभी तक फिलहाल नहीं हुआ है, कोई भी आंकड़ा ऐसा सामने नहीं आया है। हालांकि जो भूकंप के झटके थे वो बेहद तेज थे, 6.4 उनकी तीव्रता मापी गई थी, यानी इससे ज्यादा अगर होता तो दरारें तो आती ही दीवारों पर, साथ साथ जो कमजोर इमारतें होंगी वो गिर भी सकती थी।
गई। हालांकि अब जो इमारतें बनती हैं वो काफी अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनती हैं, तो बड़ी बड़ी जो सोसाइटीज हैं, हालांकि वहां से रेस्क्यू करना बेहद मुश्किल होता है ऐसे वक्तों पर, ऐसे हालातों पर, क्योंकि आपके पास रेस्क्यू का जो वक्त होता है वो बेहद कम होता है। आनंद, क्योंकि आप इस वक्त एक सोसाइटी के अंदर ही हैं, आपकी जो सोसाइटी है वो कितनी मंजिला है और कितना मुश्किल होता है उस वक्त जब भूकंप आता है और आपको उसी वक्त पर एन वक्त पर रेस्क्यू भी करना होता है? देखिए शिवानी, ये बहुमंजिला करीबन 22 से ज्यादा फ्लोर यहाँ पर है, और जैसे ही मैंने घर में एंट्री करी और मैंने अपना घर का मेन डोर खोला था, उसके बाद मैंने अपना मेन स्विच जो लाइट का होता है उसको ऑन करा, और जैसे ही अपना व्हाट्सअप देखा तो उस पर जैसे मैंने न्यूज देखी रेस्क्यू का, उसके बाद जैसे मैंने अपने पंखे की तरफ देखा तो पंखा बिना ऑन हुए हिल रहा था, और उसकी तस्वीरें भी हमने शेयर करी हैं। उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि भूकंप का झटका काफी तेज है, क्योंकि पंखा काफी तेज हिल रहा था, और उसके 5 मिनट बाद मैंने देखा कि मेरी सीढ़ियों से तमाम लोग जो है वो अफरा तफरी का माहौल हो रहा है, बच्चे चीख रहे हैं, और नीचे इसी जहां पर मैं इस समय खड़ा हुआ हूँ N401 के नीचे या N ब्लॉक के नीचे, यहाँ पर ये पूरी जो सोसाइटी आप इस समय खाली देख रहे हैं, यहाँ पर ये पूरी लॉबी यहाँ पर खचाखच भीड़ लोगों की भरी हुई थी, और अभी हमने देखा किस तरह से लोगों से हमने अब बात की है। हालांकि अभी यहाँ पर पूरी तरह से आप देख सकते हैं शिवानी, पूरी तरह से शांति है यहाँ पर, लोग अभी नहीं है, लेकिन 15-20 मिनट पहले यहाँ पर खचाखच भीड़ थी और लोग एकदम डरे हुए थे। लोगों को ये बिल्कुल ये डर था कि भूकंप बहुत तेज आया हुआ है, क्योंकि लोगों घर के पंखे हिलने लगे थे और बच्चे जो है घबरा गए थे। और उसके बाद जो है यहाँ पर जो एक गार्ड भी हमारे साथ, देखिए यहाँ पर है, ये हमें बताएंगे आंखों देखी स्थिति यहाँ पर। गार्ड साहब, ये लाइव चल रहा न्यूज 18 पे, क्या स्थिति है अभी वहाँ? बच्चे काफी भाग रहे थे यहाँ पे नीचे, थोड़ा बताइए यहाँ पे। हाँ भैया, काफी बच्चे भाग रहे थे भूकंप के कारण, सियाने भी जवान भी भाग रहे थे, और सब सीढ़ियों से नीचे उतरते जा रहे थे, सीढ़ियों से थे और लिफ्ट में भी थे, लिफ्ट में जगह नहीं थी तब सीढ़ियों से नहीं आए। अच्छा, और क्या, और अभी सब चले गए वापस? सब ये कितनी देर तक थी यहाँ पे नीचे भीड़? कितनी देर रही है? आधा घंटा। क्योंकि मैंने देखा गार्ड साहब, अभी जब मैं ऊपर जा रहा था तब एकदम शांति थी, लेकिन उसके 2 मिनट बाद ही शायद भूकंप आया है। आपके सामने ही आया था, आप गाड़ी से चले थे। अच्छा, तभी आ गया था, आ चुका था, लेकिन उसके 5 मिनट बाद लोगों ने आना शुरू करा है। जब जान पाए जो जैसा।